अगर वो लोग जदयू वाले माई का दूध पिए हुए तो आवे सामने। नीरज कुमार को और कुछ आता है तो मुख्यमंत्री तो आंधर है। तेजस्वी जी वो युवाओं का आवाज बुलंद करते हैं तीन लोग को लहरने लगता है। लोग सब जानता है कि नीरज कुमार क्या है, उसका पूरे दुनिया में ही नाम रखा गया है भौं भौं सिंह कि थुक चटवा। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। 15 साल बेमिसाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री से, जिसको लेकर जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि ट्विटर बबुआ क्या पूछते हैं, अगर पूछना है तो सामने से आकर पूछें। हमारे साथ बात करने के लिए बंटू सिंह हैं, राजद प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार कह रहे हैं कि 21 सवाल पूछने वाले ट्विटर बबुआ क्या करेंगे, पहले बिहार में तो रह लें। नीरज कुमार को और कुछ आता है, एगो कहावत चरितार्थ है इस पर कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधरा एक कोढ़ी। तो मुख्यमंत्री तो आंधर है आ ई लोग जो है सो की कोढ़ी है, तो ये लोग तो खाली भच भच भौंकेगा। एक बात आप बताइए कि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी वो युवाओं का आवाज बुलंद करते हैं तीन लोग को लहरने लगता है, वो रोजगार की बात करते हैं तो इन लोग को कैसा क्या होता है सो पता चलिए रहा है जनता लोग को। अब इस पर हम ज्यादा क्या बोले आप लोग कि नीरज कुमार के बारे में लोग सब जानता है कि नीरज कुमार क्या है, उसका पूरे दुनिया में ही नाम रखा गया है भौं भौं सिंह। तो वो भौं भौं सिंह है तो भौं भौं सिंह का काम क्या है, वही काम है तो उसके बारे में हम क्या बोले जादे, उसका कहीं कुछ है क्या है, उसका क्या है इज्जत बिहार में। वो हमारे तेजस्वी जी पर वार करता है, उसको तो कुछ आता है नहीं, क्या उस सामने से आएगा। अगर वो तो कई बार बोला कि माई का कोई दूध पिया हुआ है तो हम तो सब कुछ कर दिए, हम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देते हैं कि अगर वो लोग जदयू वाले माई का दूध पिए हुए है तो आवे सामने फरियावे, हैं हम लोग सामने के फरियाने के लिए, हमारा टीम है तैयार, आवे करे मगर रोजगार की बात करे, रोजगार का मुद्दा उठाए है कि क्या अभी चरम पर बेरोजगारी है, क्या हो रहा है बिहार में है। जो जीता हुआ मुखिया है उसको तुरंत कल हत्या कर दिया जा रहा है, प्रमुख जीता हुआ है उसको मार दिया जा रहा है, माने कि यहाँ क्या हो रहा है। और इन लोग क्या क्या क्वेश्चन करते रहता है, अनाप शनाप कहता है हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा चीज करता है क्या। अच्छा, क्या ज्यादा बोले बंटू सिंह। एक और बयान है, कल लालू प्रसाद ने कहा कि हम चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को कि शराबबंदी को सफल बनाए, उसको वो कह रहे हैं नीरज कुमार कि कहां से जो है चारा घोटाला के जो आरोपी हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। देखिए उसको और कुछ आता नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अजीब बात बोला, बिहार की भलाई के बारे में बात बोला तो उसको बस वही बात आता है, कैदी नंबर फलना नंबर चिल्ला नंबर। आइए पर हम बोल देते हैं तो लहरने लगता है कि थुक चटवा गैंग है, हम लोग हैं क्या। अरे शराबबंदी का क्या मामला है, आपको तो खुलियाम देखिए कि डीएम ऑफिस में भी दारू मिल रहा है, पुलिस लाइन में भी दारू मिल रहा है खाली बोतल, मुजफ्फरपुर में मिला जहां के पाठक जी किए। तो हम लोग का तो काम है ना आज ये बात बताना, हम तो पहले भी चैनल में बयान दिए हैं उत्कर्ष जी। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति शराब दो पैक पी लिया, बाहर का आदमी है, वो बाहर रहता हो, दिल्ली में रहता है, अपन कुटुम नाता ही बिहार आया, शादी ब्याह में दो पैक पी लिया, अगर वो पी लिया तो उसको आप जेल भेज दीजिएगा हैं कि उसको आप। एक कहे थे कि नशा मुक्ति केंद्र तैयार करना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना चाहिए, मगर ये लोग तो सुनने वाला है नहीं, हम तो बोल दिए कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधरा एक कोढ़ी, बाकी आगे देखिए। सवालों का जवाब दिया, और भी अपडेट्स देते रहेंगे, आप बने रहें डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।